नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बोर्डिंग की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी रामलला की सुंदर प्रतिमा के साथ। अब आपके सामने है श्री अयोध्या धाम में नवनिर्मित राम मंदिर, समृद्ध विरासत के साथ विकसित भारत के अमृत प्रसाद को भी समेटे हुए है। बैक एरिया में कलश और दो साधु प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ का प्रतीक है। पीछे स्थित रैपिड रेल का मॉडल पहली रैपिड रेल सेवा के शुभारंभ को दर्शा रहा है। उत्तर भारत में सिर्फ यूपी में बनने वाले ब्रह्मोस मिसाइल और मेक इन इंडिया का लोगो और नए भारत के निर्माण में प्रदेश के योगदान को रेखांकित कर रहा है। लोअर एरिया में अयोध्या का दीपोत्सव, निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ ही नोएडा में एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री विरासत और विकास का संगम है, जिन्हें म्यूरल पर उकेरा गया है। एलईडी डिस्प्ले पर उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने की कहानी आप देख सकते हैं। मोक्षदाता पवित्र सात पुरियों में प्रथम अयोध्या सज सवर कर पर्यटक और श्रद्धालु तैयार हैं। 500 सालों बाद आपको बता दें कि आराध्य रामलला भी नव्य दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। दो दिन में ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का मानो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इस साल के अंत तक राम की नगरी अयोध्या को धार्मिक पर्यटन में सबसे ऊपर का दर्जा मिलना तय माना जा रहा। वहीं प्रयाग और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी त्रिकोणीय धर्म स्थल के मद्देनजर काफी आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO का लखनऊ में सम्मेलन हुआ था और अधिकांश टूर ऑपरेटर्स ने अयोध्या और काशी जाने में रुचि दिखाई थी। ये सम्मेलन 24 साल के बाद हुआ था। इसके अलावा G20 के समय में भी अयोध्या का आकर्षण सिर चढ़कर बोला। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर बनने के बाद स्टॉक रिसर्च का फर्म जेफरीज का भी दावा है कि वेटिकन सिटी और मक्का से कहीं अधिक अयोध्या में एक साल के अंदर 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अयोध्या आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए काफी तेजी से तैयार है और पर्यटकों की पहली पसंद अयोध्या नगरी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। भव्य रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, जिसके बाद श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा है अयोध्या में। अयोध्या में पर्यटकों की पहली पसंद अयोध्या बनी हुई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि अपनी तस्वीरें अपने आप में अहम है और रामलला की पूजा अर्चना और एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं। प्लीज यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी राम लहर के माहौल में है और चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले देश भर में रैलियों और रोड शो का एक चरण पूरा करेंगे। पीएम मोदी यूपी में भी 3 रैलियां पूरी करेंगे और इसी कड़ी में ब्रज और पश्चिम क्षेत्र की रैली का आयोजन बुलंदशहर में रखा गया है। पीएम ने बुलंदशहर में 20,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आने वाले दिनों में पीएम गोरखपुर और काशी क्षेत्र की रैली, आजमगढ़ और अवध और कानपुर क्षेत्र की रैली लखनऊ में प्रस्तावित है।
और आपको बता दें कि इससे पहले इस रैली का आयोजन अलीगढ़ से होना था और फिर पार्टी के रणनीति के मुताबिक स्थान बदलकर बुलंदशहर कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि बुलंदशहर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और पीएम मोदी चुनावी रैली की शुरुआत दलित बहुल सीट से कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल माननीया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री अरुण सक्सेना जी, माननीय सांसदगण श्री महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री सतपाल सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बुलंदशहर की आज इस धरती पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को बुलंदशहर की धरती पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके अचंभित है और भारत की ओर आकर्षित हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में और अपने यशस्वी नेता के रूप में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेतृत्व हम सबके साथ में है और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमको प्राप्त हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा, आपका स्नेह प्रधानमंत्री जी को मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी दिल्ली से बाई रोड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा,
कि कोई प्रधानमंत्री बाई रोड जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाने के लिए आ रहा हो, और आज दिल्ली से बाई रोड प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से हमारे बीच में आए हैं। मैं इस आयोजन के अवसर पर भाइयों बहनों प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब जान रहे हैं, 3 दिन पहले अयोध्या का अद्भुत अलौकिक और विस्मरणीय कार्यक्रम पूरे भारतवासियों ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन साथ साथ इस अद्भुत और विस्मरणीय कार्यक्रम के उपरांत अयोध्या के बाद बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और उपहार स्वरूप आज पौष पूर्णिमा भी है, 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का सौगात भी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा? कोई सोचता था पहले तो मीटर गेज को ब्रॉड गेज करने में ही दिक्कतें होती थी, पैसा ही नहीं मिलता था। आज चौथी रेलवे लाइन भी, उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, और भी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास व गरीबों के लिए जुड़ी हुई आवासीय योजनाएं भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई 4 लेन 6 लेन की सड़कों का भी है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी है। ये सभी नए भारत के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाली वो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर के आज हमारा भारत और उत्तर प्रदेश विकास की एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय था 1 करोड़ घरों को रूप टॉप सोलर के लिए एक नई योजना का शुभारंभ, और यह शुभारंभ उसी दिन हुआ है जिस दिन प्रभु राम की, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में हुआ। और दूसरा, आपने परसों एक महत्वपूर्ण निर्णय देखा होगा, सामाजिक न्याय के प्रोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान देकर के उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, अत्यंत अभिनंदनीय है। और इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की धरती पर आगमन, यह हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे, ये जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार
मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014-2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, अन्य प्रतिनिधिगण और बुलंद के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ये प्यार और ये विश्वास जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं और मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और ये समय तो हमारे यहां परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यस्त समय होता है, रसोई का समय होता है, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। बाईस तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और राम गंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है
अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है, लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने राम लला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का यह आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है।
मेरे परिवारजनों, 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनौतियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गति दी है। आज का कार्यक्रम हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत में दो बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है, उनमें से एक यूपी में, पश्चिमी यूपी में बन रहा है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है, उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिमी। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मतदाता दिवस के मौके पर रांची के सरला बिरला यूनिवर्सिटी में आपको बता दें कि पीएम मोदी के लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी उपाध्यक्ष विकास प्रीतम सिंघा ने आपको बता दें कि शिरकत की और कार्यक्रम की जानकारी सोशल साइट पर शेयर की है। सिंघा ने आपको बता दें लिखा कि सपने नहीं, हम हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सरला बिरला यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद भी किया है। आपको बता दें कि छात्रों संघ पीएम का कार्यक्रम को सुना, सरला बिरला यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही विकास प्रीतम सिंह ने शिरकत की है और यहाँ पर बच्चों के साथ पीएम मोदी के संवाद को सुना और साथ ही बच्चों से दो टूक भी हुए और बच्चों से बातचीत भी की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।